फॉर्मूला स्टार्ट किया था, आइए कंप्लीट कर लें बेटे। बच्चों इधर ही आ जाते, कोशिश करिएगा आप साथ साथ बेटा कर लें कंप्लीट। लेंस फॉर्मूला बंद बंद मत कर देना, आ जाएंगे अपने आप बेटे। लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव करना था, आइए देखें। इधर देखो ना, आप उधर क्यों देख रहे हैं? आपके पास बेटे एक आपको कन्वेक्स लेंस बेटा दे रखा है, और ये आपके कन्वेक्स लेंस के बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और आपका ऑप्टिकल सेंटर, आपका फोकस ट्वाइस एफ, फोकस एंड बेटा ट्वाइस एफ है, और अब हम बेटे अपना ऑब्जेक्ट अगर यहां पे प्लेस कर दें, लेट इट बी नेम्ड एज द ऑब्जेक्ट ए बी, और ये जो बेटे ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा ये फोकस में से पास कर जाएगा, और सेकेंडली आपका ये रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर में से जो जा रहा है, वी एक्सपेक्ट इट टू गो अनडेविएटेड, ये उत्तर ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट पे दोनों रेज असल में मिल रही हैं, ए डैश बी डैश बेटे आपका रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इसको पॉइंट को आपने डी बोला था लास्ट टाइम, और आप कुछ ऐसे कर सकते हैं बेटे। साथ साथ सारे बच्चे आप इधर ध्यान दीजिएगा, हम इसको अगर मिलके कर लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हैं, तो आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इट इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, राइट बेटा? ऐसा क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये राइट एंगल, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, दैट्स व्हाई दीज आर सिमिलर। देन बी फोकस अपॉन द ट्रायंगल्स सी डी एफ एंड ट्रायंगल बेटा ए डैश बी डैश एफ बेटे, फिर से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बेटे बराबर के हो जाएंगे, राइट एंगल राइट एंगल, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इट इज बी डैश एफ अपॉन सी एफ। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका सी डी पार्ट जो है ए बी के बराबर का है, तो यहां पे ए बी आप लिख सकते हो ना उत्तर, इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंपली इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज इनका राइट हैंड साइड सेम है, और आपके पास आ जाएगा जी बी डैश सी अपॉन बी सी बी डैश एफ अपॉन सी एफ, बी डैश एफ किसके बराबर है डायग्राम देख के बताएंगे? ना 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 बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स एक बार, साइन कन्वेंशंस हमें कहती हैं कि हमने सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने स्टार्ट करने हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, इसका मतलब है कि आपके हरेक मेजरमेंट में सी पॉइंट जरूर आ जाना चाहिए, और इसमें ये सी पॉइंट नहीं आता, तो आप इसको लिखोगे सी बी डैश माइनस सी एफ लिखोगे, सो आपके पास आ जाएगा डियर चिल्ड्रन बी डैश सी अपॉन बी सी इट इज बी डैश एफ बन गया, सी बी डैश माइनस सी एफ
अपॉन सी एफ बेटा, वैल्यूज पुट कर दे, इधर आ जाए यार, वैल्यूज पुट कर दें अब। अच्छा अच्छा आइए बेटे आइए, प्लीज वैल्यूज पुट कर दें। बी डैश सी आपका बेटे इमेज डिस्टेंस के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, और आप इसको अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन प्लस का वी लोगे, इधर है ना बेटे ये, इट विल बी वी, और बेटा बी सी किसके बराबर है पुत्र, माइनस यू है ना बेटे, इट शुड बी माइनस यू बेटा, सी बी डैश सी बी डैश ये आ गया वी, ये माइनस साइन है सर, सी एफ किसके बराबर है जी, सी एफ इज इक्वल टू सिंपली एफ बेटा, इट विल बी देयर। अब आप लोग बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और लेट अस सी ये वाला पार्ट रद्द कर दूं बेटा मैं, हाँ क्या कहते हो, सो बेटा लेट अस फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, इट इज बी एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ, रीएडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स कर लीजिए, यू वी को इस तरफ ले आया मैं, इसको इस तरफ ले जाता हूं बेटा, दिस इज यू एफ माइनस वी एफ बेटा, डिवाइड थ्रू आउट बाई, वेरी गुड थम्स अप फॉर यू, डिवाइड बाई यू वी एफ थ्रू आउट, आपके पास आ जाएगा यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन माइनस वी एफ अपॉन, जो पैरामीटर्स कट रहे हैं इनको कट कर दीजिए, और जो आपके बच गए इनको संभाल लीजिएगा, इट विल बी वन बाई एफ इज वन बाई वी माइनस, ये आपका बच्चों बन जाता है लेंस फॉर्मूला, राइट। चलें जी आगे, इसके बाद हम बात करते हैं कई बार मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन क्या होती है इन द केस ऑफ द लेंसेज बेटा, पुत्र मिरर्स में मैग्निफिकेशन किसके बराबर था हमारा, मिरर्स में मैग्निफिकेशन किसके बराबर था, एक मिनट पुत्र है, किसके बराबर कह रहे हो, नहीं नहीं बेटे वो एच डैश अपॉन एच तो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी कह रहा हूं मैं, माइनस माइनस वी बाई यू, वेरी राइट वेरी राइट। और इस केस में आपका साइन ड्रॉप हो जाया करता है, कोई बात नहीं करवा देते हैं, वो भी करवा देते हैं, बेटे मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैं इसी डायग्राम की हेल्प ले लेता हूं, मैग्निफिकेशन इट इज बेटा इन द केस ऑफ द लेंसेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ सॉरी साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन स्मॉल एम जो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके बराबर हुआ करता है, इमेज का जो साइज है इसको आप एच डैश कह लीजिए, इसको एच कह लीजिए, एम आपके पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, है ना बेटा, अगेन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, इनमें थोड़ा सा अगर हम फोकस करें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये आपका
सी बी डैश अपॉन सी बी के बराबर है ना बेटा। तो आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आपका बन गया सी बी डैश अपॉन सी बी मैग्निफिकेशन, या ऐसे कर लीजिए पहले इसको भी आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा, ए डैश बी डैश बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये माइनस एच डैश आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैग्निफिकेशन एम निकालने के लिए उस रिलेशनशिप को यूज करिएगा, ए डैश बी डैश आपका माइनस एच डैश, ए बी आपका एच के बराबर का आ जाएगा, सी बी डैश आपका बेटे जो है ये बी के बराबर है, ये माइनस यू के बराबर है, इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की रेशो, अगर आप साइजेस की रेशो की बात करोगे तो दिस इज टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव बी अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन आपका इसके बराबर आ जाएगा, वी अपॉन यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन बेटे प्रॉब्लम कई बार ऐसे आती है कि आपको यू और वी दोनों गिवन नहीं होते, कई बार आपको वी गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है यू नहीं गिवन, कई बार यू गिवन है लेकिन वी नहीं गिवन, उसकी जगह पर फोकल लेंथ गिवन है। ऐसे केसेस में हम लेंस फॉर्मूला की हेल्प लेकर अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं। आइए थोड़ा देख लें इसको भी एक बार कि कैसे ये सारा किया जा सकता है सॉल्व। लेंस फॉर्मूला आपका बेसिकली 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ के बराबर का है बेटा, और इसको वी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ बेटा। इस v by u को इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ एडजस्ट कर लीजिए, 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u बेटा, एंड f माइनस v अपॉन f इज v अपॉन u, इसी को तो आपने मैग्निफिकेशन के बराबर प्रूव किया है। सो आपके पास बेटा जो मैग्निफिकेशन है इन द केस ऑफ द लेंसेज m, ये f माइनस वी अपॉन एफ के बराबर आ जाएगा। छोटा सा काम करिएगा एक आप लोग, आप इसको बेटे थ्रू आउट स्मॉल u से मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, स्मॉल u से मल्टीप्लाई कर लो और बेटे अगेन निकाल के देखो, जरा करी करके देखिए फटाफट, इसको थ्रू आउट स्मॉल u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट अगेन इट इन टर्म्स ऑफ यू सॉरी v एंड f बेटा। इट इज वेरी नाइस बेटा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ है, आपने यू से मल्टीप्लाई किया, यू अपॉन वी माइनस 1 इज यू अपॉन एफ, इसको 1 को उधर ले जाइए एडजस्ट कर लीजिए, यू अपॉन वी इज 1 प्लस यू अपॉन एफ, यू अपॉन वी एफ प्लस यू अपॉन एफ, उल्टा कर दीजिए रिलेशनशिप को, v अपॉन यू एफ अपॉन एफ प्लस यू, और मैग्निफिकेशन इट इज देयर बेटा राइट। इसके बाद हमारा छोटा सा कंसेप्ट है बेटा पावर ऑफ ए लेंस क्या है, आइए ब्रीफली बात करके देखें कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालते हैं, सारा देख लें एक बार बेटे, उससे फिर आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। और बेटे मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको प्रेजेंटली कर लेंगे अभी तो आप टर्म 1 एग्जाम के बाद इमीडिएटली प्रैक्टिकल करने वाले बनेंगे, आपका आइए देखें सेट पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस
बेटा आपका नाम मैं भूल गया इधर। हाँ जी बेटे पावर का स्टेटमेंट डेफिनेशन आपको याद है कि भूल गए हो? पावर ऑफ इलेंस, पावर ऑफ इलेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यू रिमेंबर और नॉट? नहीं, फॉर्मूला याद है आपको, दैट्स फाइन। डेफिनेशन पावर सुनिएगा बेटे, पावर ऑफ ए लेंस जो है ये आपके लेंस की अबिलिटी होती है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। सो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। मैथमेटिकली इट इज बेटा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मैथमेटिकली पावर पी जो है इट इज 1/f इफ एफ इज इन मीटर्स। अगर एफ आपका सेंटीमीटर्स में हो, इफ एफ इज इन सेंटीमीटर्स पावर आ जाएगा 100 अपॉन एफ डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, याद रखिएगा। लेंस कॉम्बिनेशन ब्रीफली बात करेंगे। लेंस कॉम्बिनेशन बच्चों, जब भी आप लेंजेस को कांटेक्ट में प्लेस कर देते हैं, एक के साथ दूसरा कांटेक्ट में रख देते हो, पावर्स अलोंग विद द साइन आर ऑलवेज एडेड अप। जो कैसा भी साइन होगा उसके साथ वो आपका पावर डायरेक्टली एड अप हो जाएगा। लेंस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फोकस करिएगा जी। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, राइट? एक और कन्वेक्स लेंस है। इन दोनों का, इसका फोकल लेंथ F1, इसका F2, इसका पावर P1, इसका पावर P2, और ये आपका देखिए इक्विवेलेंट लेंस बन गया। इसका फोकल लेंथ F, इसका पावर P। पावर्स आर ऑलवेज एडेड अप। पावर P कॉम्बिनेशन की जो है P1 + P2 हो जाएगी बेटा। सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए फोकल लेंथ को मीटर्स में ज्यूम करके। 1/F1 + 1/F2 रहेगा ये, एंड इट विल बी F1 F2 F2 + F1। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ F1 F2 / F1 + F2 हो जाएगी। एक छोटा सा केस आपके लिए, एक छोटा सा सिचुएशन आपके लिए करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। आपको बेटा इधर ध्यान दीजिए जरा। हाँ जी, नहीं, कैपेसिटेंस अलग चीज है ये, आप हाँ उसके जैसा कह सकते हो आप। आपके पास एक लेंस ये है, एक लेंस इसके साथ कांटेक्ट में प्लेस किया, इसका फोकल लेंथ F1, इसका F2, इसका पावर P1, इसका P2। कॉम्बिनेशन का पावर बड़े वाला P, फोकल लेंथ बड़े वाला F। जल्दी से निकाल दीजिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना होगा। दिस इज ओनली सोली फॉर यू, क्विकली जरा। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालने के बाद लिख लीजिए ऑल ऑफ यू, लिख के लिख के। करके देख लीजिए, 1 मिनट का काम है, ऐसे 2 लगेंगे। बोलने के साथ काम नहीं ना चलेगा, पेपर में लिखे हुए के नंबर मिलते हैं, राइट बेटा?
कोई ज्यादा लेंथी काम नहीं है, हार्डली इट विल टेक ए मिनट। डी बाई, ये क्या कह रहे हो? उत्तर आप, दिस वन। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला वही नहीं बनेगा, अ लिटिल बिट चेंज इज एक्सपेक्टेड, लेंसेज का नेचर नहीं बदल गया, हाँ माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक। ये कंकेव लेंस है, वेरी नाइस। यही पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता था। अब करके देखिए सारे बच्चे फटाफट, इसकी पावर के साथ नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, फोकल लेंथ F2 के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। क्विकली करके देखिए, वेरी राइट वेरी राइट। आपका पावर कॉम्बिनेशन का P1 - P2 हो जाएगा, इट विल बी 1/F1/F1 - F2 हो जाएगा, एंड ये आपका F2 - F1। और बच्चों अगर मैं एडजस्टमेंट कर दूं थोड़ी सी और, F आपके पास आ जाएगा जी F1 F2/F1 - F2, राइट। स्पेशल केस इस सिचुएशन का इमेजिन करिएगा। डी कहाँ है? डी क्या है? वो कहां से आ गया? इसमें डी नहीं आता बेटा, इसमें डी नहीं आएगा। नहीं, इसमें डी नाम की कोई चीज नहीं है। F2 - F1, थोड़ा सा और देखिएगा। अगर आपका कन्वेक्स और कनकेव लेंस जो आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हो, इनका फोकल लेंथ सेम हो जाएगा, देन व्हाट विल द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक? सपोज दैट द टू लेंसेज हैव गॉट द सेम फोकल लेंथ, देन व्हाट विल द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक? नॉर्मल? नहीं, कैसे बिहेव करेगा? मिरर कैसे बन गया? ये तो लेंस है। मैं ये कह रहा था अगर ये दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर आ जाएंगी, देन व्हाट विल दिस कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक? नॉर्मल? क्या मिरर कैसे बनेगा भाई? ये तो लेंस है। मैं कह रहा हूं कि व्हाट विल दिस कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक, जाएगी तो सीधी, वो भी मान गया मैं, व्हाट विल इट बिहेव लाइक? ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, याद रखिएगा, इट विल बिहेव। आप मिरर कह रहे थे, हाँ ठीक है। सो अगर F1 F2 के बराबर हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ आपका यहां पे देखिएगा इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि ये लेंस कॉम्बिनेशन आपके रेस को फोकस ही नहीं कर पा रहा है ना? और इसकी पावर की बात करें तो दैट विल बिकम जीरो एंड इट विल बिहेव लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की तरह ये बिहेव करेगा। एक छोटा सा पॉइंट और इसी के रिगार्डिंग यहां पे हमारा है, आपके दो लेंसेज हैं, इनके बीच में कॉम्बिनेशन आपको एग्जैक्टली कांटेक्ट में नहीं दिया गया, इनके सेंटर टू सेंटर एक्स के बराबर का डिस्टेंस है, तो इसकी कॉम्बिनेशन की पावर दोनों का कंबाइंड जो होगा फोकल लेंथ वो कितना हो जाएगा? आपने एक लेंस नहीं यूज किया, दो यूज कर रहे हो लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में एक्स के बराबर का सेपरेशन है, राइट बेटा? सेंटर एक लेंस के से दूसरे लेंस के सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर, तो इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी?
थोड़ा सा सोचिए और, इट विल बी वन बाई एफ, ध्यान दीजिएगा, वन बाई एफ वन अगर इसकी है और एफ टू अगर दूजे की है, माइनस एक्स एफ वन एफ टू, याद रखिएगा इसको, इट विल बी लाइक दिस बेटे, ठीक है जी। डेरिवेशन नहीं कर सकते प्रेजेंटली हम, आप याद रख लीजिएगा कि अगर लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है तो इनका आपका जो है फोकल लेंथ और पावर कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होती है, मतलब लेंसेज वाला पार्ट, क्रोमेटिक एब्रेशंस, रुक जाइए जरा, क्रोमेटिक एब्रेशंस कहीं हमने बात की होगी बेटे प्रीवियसली, बताइए फिर क्या होती है। आप क्रोमेटिक एब्रेशंस की थी हमने, मुझे याद है करवाई थी आपको मैंने, नहीं, ओह मे बी आपने, टाइम हो गया काफी, नहीं याद होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेंस है बच्चों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, समथिंग लाइक दैट, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, स्फेरिकल एब्रेशंस जनरली हमारे मिरर्स में देखने को मिलती हैं, क्रोमेटिक इसमें देखने को मिलती हैं, और इसमें दो तरह की रेस हम स्टडी करते हैं जनरली, एक तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नियर बाई ट्रेवल कर रही हैं, इनको बोल देते हैं पेरेक्सियल रेज बेटा, दीज टू रेज आर कॉल्ड पेरेक्सियल रेज, और जो रेज काफी ज्यादा दूर चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस से इनको मार्जिनल रेज, और रुक जा जरा पुत्र, मार्जिनल रेज, ये मार्जिनल रेज जा रही हैं। अब इन मिडल वाली रेज को जरा देखिएगा ध्यान से, इनको ज्यादा थिकनेस इस मटेरियल ऑफ द लेंस में ट्रेवल करनी पड़ रही है, और इनका फोकसिंग जो है ये बेटा किसी अलग पॉइंट पे हो जाता है, और जो मार्जिनल रेज हैं ये किसी डिफरेंट पॉइंट पे फोकस हो जाया करती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका इमेज ज्यादा शार्प नहीं बनता। दूसरी बात, अगर आप ये वाला पार्ट देखें लेंस का, ये वाला हिस्सा यहां से लेकर ये ऊपर वाला पार्ट देखें अगर, तो ये लगभग आपको एक प्रिज्म की तरह लग रहा है, लगभग, एग्जैक्टली नहीं मैं कह रहा हूं, काफी ज्यादा ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या है, आपका जो लाइट इधर आ रहा है ये सेवन कलर्स में स्प्लिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पूरा प्रिज्म नहीं है, पूरे सेवन कलर्स भी नहीं बनेंगे, अगर पूरा प्रिज्म हो तो आपके सेवन कलर्स बन जाएंगे। इसमें आपको बेटा जो है इमेज इमेज विल पोजेस डिफरेंट कलर्स, इसकी वजह से इमेज को स्टडी करना काफी मुश्किल हो जाता है, इस डिफेक्ट को क्रोमेटिक एब्रेशंस कह देते हैं। सुनिएगा फिर से एक बार, पहली पहला डिफेक्ट तो ये था कि आपकी पेरेक्सियल और मार्जिनल रेज एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही हैं, ये इटसेल्फ एक अलग डिफेक्ट है, इसको इससे बचने के लिए आप क्या करें, आप इसके रे के पाथ में एक ओपेक शीट रख दीजिए, इसको रोक लीजिए रे को, ये जाएगी नहीं, अपने आप एक फोकस रह जाएगा। और अगर आपका मन नहीं मानता तो इनको रोक लीजिए,
पेरेक्सियल को मार्जिनल को जाने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह फोकस तो हो जाएंगी, हमारा इमेज क्लियर बन गया, शार्प बन गया। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी है कि आपका अमाउंट ऑफ द रिफ्रैक्शन सफर्ड बाई द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट डिफरेंट होने की वजह से इमेज में अलग अलग कलर्स आपको थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, उससे इमेज को पढ़ना स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस डिफेक्ट को बोल देते हैं बच्चों क्रोमेटिक एब्रेशंस। और क्रोमेटिक एब्रेशंस का अदरवाइज बेटा मीनिंग ये है कि व्हेन वी सी द डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन द आउटपुट और इन द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, देन दोज पैचेस दोज कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स दीज आर बेटे टर्म एज द क्रोमेटिक एब्रेशंस। और आप जब बेटे टेलीस्कोप वगैरह पढ़ते हो या आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह जब पढ़ते हो, बेटे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने बेटे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ना है, टेलीस्कोप भी पढ़ना है जब हम चैप्टर करेंगे, तो वहां पे जब आप किसी डिस्टेंट स्टार का, डिस्टेंट हिल का, डिस्टेंस हाई ऑब्जेक्ट अल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हो, आपने तो वो इमेज स्टडी करना, बीच में आपको कलर्स थोड़े 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 दिख रहे हैं, तो उससे आप उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने जैसे स्कूल के टॉप पे चले गए, वहां से आपने टेलीस्कोप फिक्स कर दिया हिमालय हिल्स के ऊपर, आपको इमेज दिखाई देगा उल्टा, लेकिन उसमें कलर्स दिखाई देंगे, तो उनको हम स्टडी नहीं कर पाते प्रॉपरली। इस डिफेक्ट को बेटे बोल देते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन इन जनरल, लेंस फॉर्मूला, लेंस कॉम्बिनेशन, डिफेक्ट्स इन द लेंसेज वगैरह, एंड अ स्पेशल नोट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑल दीज टॉपिक्स आर बेटे फिनिश्ड। हम जब भी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड। ऐसा क्यों किया है हमने, कहीं ना कहीं आपने ये लोअर क्लास में कर रखा था, इसलिए हमने ये 1 वीक इस पे डिवोट किया है। थैंक यू ऑल बेटा।